और ये रिमोट है देख सकते हो, जैसे इसको दबाऊंगा ये आगे जाएगा, देख सकते हो बहुत अच्छे से जा रहा है। और देख सकते हो यहाँ पर एक रिवर्स का बटन भी है, देख सकते हो रिवर्स, जैसे दबाऊंगा ये स्टॉप हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। और ये आगे वाला बटन है, दोस्तों जब मान जाए बहुत ही अमेजिंग और सिंपल एक रिमोट कंट्रोल मोटर बोट। और आपने देखा है कितना कॉम्पैक्ट और कितना कमाल का बना है, बहुत ही अच्छा। और ये बहुत ही अच्छे से बहुत लॉन्ग रेंज से भी ये वर्क करते हैं। और यहाँ पर जितना भी कंपोनेंट्स के यूज है, यानी जो ट्रांसमीटर और रिसीवर रिमोट का, ये सबका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो तो आप इसको बहुत आसान से बना सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपन बोट का स्ट्रक्चर को बॉडी को बनाने के लिए इसको इस तरह के एक थर्मोकोल का सीट देख सकते हो। और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ होता है, फ्रिज टीवी उस सब का पैंग के लिए यूज़ होता है। ये मुझे घर पे मिल गया और आप यहाँ पर जो दुकान से खरीद भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा नरम होता है, थोड़ा सा वीक होता है। और ये देखते बहुत ही मजबूत है, बोट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं बोट के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हो मैं एक बोट का शेप का कागज को कटिंग कर लिया और इसको मैं सिंपली यहाँ पर उसके ऊपर रख के मैं मार्कर से इसको मार्क करके इसको काट कर लूँगा। तो देख सकते हो इसको हमने कटिंग करके बहुत ही अच्छे एक बोट का शेप दे दिया। और ऐसे ही सेम तरह से एक और हमने कटिंग कर लिया देख सकते हो। और इसको हमने क्यों बनाया आपको बाद में पता चला जाएगा, आप बस वीडियो को बिना स्किप के देखते रहे। तो आप चलिए इस दोनों की इस तरह से ग्लूगन की मशीन को सेट कर देते इस तरह से। तो देख सकते हो हमने बहुत अच्छे ग्लू शीट डाल के चिपका दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैटरी और जो हमारा रिसीवर उसको यहाँ पर सेट करने के लिए यहाँ पर इसका जो बीच का पोर्शन है इसको काट कर हटा दूंगा इतना तक। और ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा ओरिजिनल बोर्ड जैसा। तो देख सकते हो इसका बीच का पोर्शन को मैं बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया और ये देखने में ओरिजिनल बोर्ड जैसा लग रहा है। आप चलिए एक सैंड पेपर की मदद से इसको थोड़ा सा घिस के स्मूथ कर देते हैं। तो देख सकते हो इसको मैंने घिसकर बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे दिया देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। आप चलिए इसके अंदर बाकी का कंपोनेंट्स को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चाहे मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर देख सकते हो, ये रिसीवर इसका यहाँ पर देख सकते हो बी आर एफ लिखा है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड। और ये दो बी प्लस और बी माइनस है, इसका बैटरी इससे कनेक्ट होगा, ये 3.7 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। और ये इसका रिमोट ट्रांसमीटर देख सकते हो। और इसको मैं पहले ही इस तरह से बना लिया, मतलब ये बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ पर एक पीवीसी पाइप का सीट के ऊपर चिपका लिया। और ये देखने में अच्छा लग रहा है, बस रिमोट का जैसा लग रहा है इस तरह से प्रेस होगा। और इसके स्विच भी ऑन ऑफ स्विच भी जोड़ दिया देख सकते हो। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और इससे और बैटरी को यहाँ पर सेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक मोटर देख सकते हो, ये कोल्डलेस डीसी मोटर है। और इसके जगह पर ये वाला कॉम्बिनेशन का भी यूज़ कर सकते हो, ये नॉर्मल मोटर और पंखे का, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है और ये हल्का भी है और ये बहुत तेज़ी से हवा को फेंकता है। और देख सकते हो यहाँ पर मैंने पंखे को उल्टा करके लगाया देख सकते हो। और इसको मैंने उल्टा करके क्यों लगाया आप वीडियो को देखते रहे आपको बाद में पता चल जाएगा देख सकते हो। चलिए इसको एक बार सेट करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए मैं एक बैटरी इसको पावर देने के लिए देख सकते हो, एक पुराने मोबाइल का बैटरी को यूज़ कर रहे हैं आप। यहाँ पर जो इस तरह का लिथियम आयन सेल आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, बस 3.7 वोल्ट का है। तो इसको भी यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं, मतलब सारी चीज़ को इसके ऊपर फिट करते चलिए फटाफट। तो पहले हम यहाँ पर बैटरी को चिपका लेंगे, उसके बाद हम चिपकाने वाले ये ट्रांसमीटर को हमारा, और इसको हम बैटरी के ऊपर ही चिपकाने वाले। तो बहुत अच्छे से चिपका दिया। तो अब मैं यहाँ पर मोटर को फिट करने वाले, तो चलिए आप देख लेते इसको कैसे फिट कर सकते हैं। तो पहले मैं देख सकते इस तरह के पेन का हिस्से को काट कर लिया, क्योंकि मोटर को यहाँ पर सेट करने वाले, क्योंकि डायरेक्टली मोटर को फिट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत देख तो बहुत पिछला है, ये निकल जाएगा। और ग्लू भी यहाँ पर हीट होगा थोड़ा सा जब घूमेगा, तो ग्लू भी बिगड़ सकते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान से देखना इसको कैसे करो, आप अपने हिसाब से कोई भी दूसरा जुगाड़ लगा सकते हो देख सकते हो।
इस तरह से बस इसको अंदर पुट कर देना है। देख सकते हो इसको अंदर सेट कर दिया। और इसको सिंपली एक और देख सकते हो प्लास्टिक का जो टुकड़ा ले लिया, इस पाइप एक छोटा सा पाइप है और इसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे, फिर कुछ से भी चिपका देंगे, उसके बाद ग्लू से अच्छे से सील कर देंगे। जो इस फॉरवर्ड कर लेते हैं, डाल देंगे थोड़ा सा फेविक्विक, देख सकते हो ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पर डाल दिया और इसको सिंपली इस तरह से लगा देना है। थोड़ी देर इसको यहाँ पर होल्ड करना है, ये लग जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से चिपका लिया। अब चलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा प्लेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट थर्मोकोल के ऊपर नहीं लगा सकते इस तरह से, क्योंकि जब हवा का तेज़ होगा तो ये उखड़ जाएगा। तो हम इसका प्लेट के ऊपर इसको लगाने वाले, उसके बाद यहाँ पर लगाने वाले। चलिए इसको फिर लगा देते हैं। पहले मैं इसको ग्लू से चिपका लूँगा इस तरह से फेविक्विक की मदद से, उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारा ग्लू गन से अच्छे से फिक्स कर लूँगा। देखो तो चारों तरफ अच्छे से ग्लू डाल दिया। अब चलिए इसको यहाँ पास सेट कर देते हैं इस तरह से। इसका जो पंखे का मुंह है इस तरफ होगा, इस तरह से लगा देते। चलिए इसको तो बहुत अच्छे से चिपका दिया और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। अब चलिए सारे कनेक्शन को कर लेते हैं, मतलब बैटरी के साथ पंखे और इस हमारा रिसीवर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है, आप बस यहाँ पर ध्यान से देखना। तो इसको यहाँ पर मोटर का दो आयर है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा बी आर एफ लिखा है, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड, देख सकते हो ये वाला येलो और ग्रीन। तो ये दोनों के साथ इस तरह से सिंपली बस मोटर का दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर अगर मोटर उल्टा तरफ घूमने लगे या कुछ दिक्कत है तो इस कनेक्शन को पलट सकते हो, मतलब इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। इसको तो बहुत अच्छे से लगा दिया, बाद में इसको टेप भी कर दूंगा। देखो तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, बस इस दोनों के साथ इस दोनों को और इस दोनों के साथ ये दोनों को, बहुत ही सिंपल है। आप चलिए यहाँ पर एक और मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब बोर्ड चलेगा तो ये इधर उधर घूमने लग सकता है, तो उसके लिए हम इसका मिडिल में एक प्लेट को बैठा देंगे ताकि ये सीधा चलता रहे। तो इसके लिए देखो तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले इस तरह के एक पीवीसी प्लेट का सीट, देख सकते हो। इसको हीट करके मैं इस तरह से फ्लैट कर लिया और इसका ये दोनों तरफ का कुछ हिस्से इस तरह से काट कर हटा दूंगा, ताकि जब ये पानी में चलेगा तो ये कहाँ पर भी अटक सकता है। तो इस तरह से स्मूथ कर देने पर ये कहीं पर भी नहीं अटकेगा, तो स्मूथ नहीं चला जाएगा। तो चलिए इसका ये हिस्से को काट कर हटा देते। चलिए फटाफट इसे तो काट कर लिया। आप मैं सिंपली इसको सैंडपेपर से घिस कर थोड़ा सा स्मूथ बना देंगे। तो देख सकते हो इसको मैं बहुत अच्छे से राउंड में स्मूथ कर लिया। तो आप चलिए इसको ये सिंपली यहाँ पास फिट कर देते हैं। पहले थोड़ा सा इस लाइन के बराबर काट कर लूँगा। तो देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने होल बना लिया। थोड़ा सा ग्लू डाल देंगे यहाँ पर ऊपर ऊपर और इसको सीधा डाल देंगे यहाँ पर। देख सकते हो फिक्स हो गया, बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। तो चलिए देख सकते हो इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, रेडी भी हो गया। देख सकते हो 100% रेडी भी हो गया। आप चलिए इसको पानी में ले जाकर टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो इसको मैंने बाहर लेके आ चुका, तो चलिए अब इसको पानी में डालते हैं और इसको चेक करते हैं। और ये रिमोट है, देख सकते हो जैसे इसको दबाऊंगा ये आगे जाएगा, देख सकते हो बहुत अच्छे से जा रहा है। और देखो तो यहाँ पर एक रिवर्स का बटन भी है, देख सकते हो रिवर्स, जैसे दबाऊंगा ये स्टॉप हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। और ये आगे वाला बटन है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जोर एक लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।